दोस्तों एक बार फिर मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं पीएटी परीक्षा के बारे में। काफ़ी समय से दोस्तों छात्र मुझे मैसेज कर रहे थे कि सर पीएटी एग्ज़ाम के वीडियो बनाइए, पीएटी के लिए नई नई वीडियो आप हमें प्रोवाइड करिए। तो दोस्तों यह वीडियो पीएटी एग्ज़ाम के लिए है और इसमें मैं आपको पीएटी परीक्षा के बारे में सब कुछ बताऊंगा। इसके बाद है जो हमारी वीडियो आएगी उसमें पूरा सिलेबस बताऊंगा। उसके बाद है जो पुराने क्वेश्चन पेपर हैं उनके लिए मैं आप उनसे संबंधित पुराने क्वेश्चन पेपर से संबंधित वीडियो आपके लिए लेकर आऊँगा। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों बहुत सारे छात्र डाउट में है कि कौन से ग्रुप वाले स्टूडेंट्स इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, मैथ्स वाले दे सकते हैं या फिर बायो वाले दे सकते हैं या फिर एग्रीकल्चर ग्रुप वाले दे सकते हैं, क्या इसमें सिलेबस रहता है, किन सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स का पेपर होता है, ठीक है, कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ऐसा मैं आज आपको बताने वाला हूँ और आपके पूरे डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि जो पीएटी का एग्ज़ाम होता है इसको मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर तीनों ग्रुप के छात्र दे सकते हैं, ठीक है, मैथ्स, बायो और एग्रीकल्चर। जिनका भी 11th 12th में मैथ्स ग्रुप है या फिर बायो बायो ग्रुप है या फिर एग्रीकल्चर ग्रुप है वह पीएटी का एग्ज़ाम दे सकते हैं। अब मैथ्स वालों के लिए क्या सिलेबस रहता है, कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बायो वालों के लिए क्या रहता है और एग्रीकल्चर वालों के लिए क्या सिलेबस रहता है, उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। उससे पहले मैं आपको बता दूं आप के लिए पीएटी का एग्ज़ाम क्यों ज़रूरी है। जो भी छात्र, सबसे पहले आपको बता दूँ पीएटी का फुल फॉर्म होता है प्री एग्रीकल्चर टेस्ट। जो भी छात्र बीटेक करना चाहते हैं, ठीक है, एग्रीकल्चर से, या फिर बीएससी करना चाहते हैं एग्रीकल्चर से, बीएससी करना चाहते हैं फॉरेस्ट्री से, बीएससी करना चाहते हैं हॉर्टिकल्चर में, तो उनके लिए पीएटी का एग्ज़ाम देना बहुत ही ज़रूरी होता है। अगर आपको किसी गवर्नमेंट कॉलेज से यह कोर्सेज करने हैं, जो भी छात्र पीएटी की परीक्षा में अच्छे मार्क्स लेकर आते हैं उनको आसानी से गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाते हैं, ठीक है। बहुत सारे कॉलेजेस हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ भी हैं जैसे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय, यहाँ से आप बीएससी, बीटेक सब कुछ कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, और कुछ महाविद्यालय भी हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं सबसे पहले मैथ्स ग्रुप वालों के लिए। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं मैथ्स ग्रुप के लिए, ठीक है, मैथ्स ग्रुप के लिए कौन कौन से सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, केमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और मैथ्स से। फिजिक्स से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, केमिस्ट्री से 50 क्वेश्चन रहेंगे 50 नंबर के, मैथ्स से रहेंगे 100 क्वेश्चन, ठीक है, मैथ्स से कितने क्वेश्चन रहेंगे 100 क्वेश्चन। तो मैथ्स ग्रुप के लिए फिजिक्स से क्वेश्चन पूछे जाएंगे, केमिस्ट्री से और मैथ्स से, टोटल 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। एक पेपर होगा जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ से पूछे जाएंगे क्वेश्चन और 200 नंबर का आपका पेपर रहेगा, ठीक है। तो मैथ्स ग्रुप वालों के लिए मैंने यहाँ पर बता दिया है। मैथ्स ग्रुप वाले कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ मैथ्स ग्रुप वालों के लिए है, बीटेक कर सकते हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कर सकते हैं एग्रीकल्चर में, बीएससी कर सकते हैं, बीएससी फॉरेस्ट्री से कर सकते हैं, हॉर्टिकल्चर में भी बीएससी कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए। तो एग्रीकल्चर ग्रुप वाले बीएससी कर सकते हैं एग्रीकल्चर से, फॉरेस्ट्री कर सकते हैं और हॉर्टिकल्चर से भी बीएससी कर सकते हैं। इसके बाद किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो जो कोष्टक में दो सब्जेक्ट लिखे हुए हैं एग्रीकल्चर 1 और एग्रीकल्चर 2+3, इन दो सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अभी एग्रीकल्चर 1 और एग्रीकल्चर 2+3 क्या होता है, तो एग्रीकल्चर 1 होता है हमारा पीसीएमबी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायोलॉजी, 25-25 क्वेश्चन इन चारों सब्जेक्ट से रहेंगे और टोटल 100 क्वेश्चन रहेंगे, ठीक है। तो AG1 में क्या होता है, पीसीएमबी 100 क्वेश्चन रहेंगे और 100 मार्क्स का रहेगा। दूसरा पार्ट रहेगा AG2+3,
एजी 2+3 में जनरली कृषि से संबंधित जो सब्जेक्ट, मत्स्य पालन, पशुपालन और कृषि से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें भी 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, और 100 नंबर यहाँ पर भी रहेंगे आपके। यहाँ पर आपका एक पेपर होगा, ठीक है, 200 क्वेश्चन रहेंगे और टोटल मार्क्स की बात की जाए तो 200 मार्क्स टोटल रहेंगे। तो यहाँ पर एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए आप एक बार फिर से देख सकते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं बायो ग्रुप वालों के लिए। यहाँ पर मैं बता रहा हूँ किसके लिए, बायोलॉजी वालों के लिए, जिनका सब्जेक्ट्स क्या है, बायोलॉजी है 11th 12th में। फिजिक्स पूछी जाएगी 50 नंबर की, केमिस्ट्री पूछी जाएगी 50 नंबर की, बायोलॉजी पूछी जाएगी 100 नंबर की। तो जो आपका मेजर सब्जेक्ट है उसमें 100 नंबर का पूछा जाता है, फिजिक्स 50, केमिस्ट्री 50 और बायोलॉजी 100। एक पेपर होगा आपका, 200 क्वेश्चन रहेंगे कुल, कितने क्वेश्चन रहेंगे, 200 क्वेश्चन रहेंगे और 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों मैंने फिजिक्स से केमिस्ट्री, आप देख सकते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ग्रुप में भी है और बायोलॉजी ग्रुप में भी है, ठीक है। तो फिजिक्स केमिस्ट्री जनरली कॉमन होता है और एग्रीकल्चर ग्रुप में भी है AG1 में, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर सब कुछ आपको बता दिया है, मैथ्स ग्रुप वालों के लिए भी, बायोलॉजी ग्रुप वालों के लिए भी, एग्रीकल्चर ग्रुप वालों के लिए भी, एक एक पेपर होगा, ठीक है, चाहे आप किसी भी ग्रुप से हैं, 200 क्वेश्चन रहेंगे, 200 मार्क्स का पूछा जाएगा। आप वीडियो को एक बार और देख सकते हैं अच्छे से, ठीक है, कौन कौन से ग्रुप वाले कौन कौन से कोर्स कर सकते हैं सब कुछ आप यहाँ देख सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फीस कितनी होती है। तो दोस्तों जनरल वालों के लिए या अनरिजर्व कैटेगरी के लिए फीस होती है 500 रुपये, ठीक है। अनारक्षित कैटेगरी के अभ्यर्थियों के लिए फीस कितनी होती है, 500 रुपये, और 70 रुपये पोर्टल चार्ज होता है अगर आप क्योस्क के माध्यम से फॉर्म भरते हैं। और रजिस्टर्ड सिटीजन यूजर के माध्यम से भरने पर आपको 40 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा। तो या फिर 70 रुपये या फिर 40 रुपये पोर्टल चार्ज लगेगा और फी लगेगी आपकी 500 रुपये। कितनी फीस लगेगी, 500 रुपये। OBC ST के लिए फीस है 250 रुपये, निःसक्तजनों के लिए फीस है 250 रुपये। अगर हम बात करें दोस्तों सेंटर की, तो इसके सेंटर जो परीक्षा केंद्र होते हैं वह 7 जिलों में होते हैं। भोपाल में होता है इसका परीक्षा केंद्र, इंदौर में होता है, जबलपुर में, ग्वालियर में, उज्जैन में, सतना में, सागर में, इन 7 सिटी में PAT के परीक्षा केंद्र होते हैं। अगला जो वीडियो रहेगा दोस्तों उसमें हम सिलेबस के बारे में बात करेंगे, और किसी भी प्रकार का आपको डाउट है तो आप हमें कमेंट करिएगा, हम आपका डाउट क्लियर करेंगे, ठीक है। और वीडियो देखने के लिए दोस्तों आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जो हमारे आने वाले वीडियो PAT से संबंधित उनको अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकॉन को भी प्रेस कर लीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।